नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव हुए संपन्न, प्रदेश की 20 सीटों पर हुए मतदान। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने रखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए गए पैरामिलिट्री फोर्स। और लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशंका, महिलाओं और युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गुरुवार को लोकसभा चुनाव 2014 की 20 सीटों पर पहला चरण का मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं में उत्साह नजर आया। सुबह मतदान केंद्र सूने पड़े रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ता गया। इस बार महिलाओं और युवाओं में मतदान के प्रति काफी जोश नजर आया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसमें लोग मॉर्निंग वॉक के समय में ही वोट डालने बूथों पर पहुंचे। शहर में भी बूथों पर इस बार महिलाओं का रुझान नजर आया। लोगों ने आज अपने प्रतिष्ठान बंद करके पहले वोट डालकर और मतदान के महापर्व में भाग लिया। मतदाता इस बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान बूथों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं ने कहा कि सही प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा में भेजना है, जिससे कि हर छोटी मोटी समस्याएं दूर हो सके। अभी लोकसभा के 16 लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं, और उसमें आज बहुत से प्रदेशों में और 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो अमीर के साथ साथ ये नहीं देखे कि गरीब है, किसान है, मजदूर है। हम चाहते हैं कि वो किसानों की, मजदूरों की, मेहनत कशों की और जो लोग कर्मचारी हैं उनके सभी के हितों की रक्षा करें। और इस देश में जो आज तक जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त हो रहा है, करप्शन जो व्याप्त हो रहा है, उसको कम करें और आम जनता को इस महंगाई की मार से, जो बहुत ही महंगाई की जो मार जो हो रही है जनता के ऊपर, इसमें हर तरीके से लोग त्रस्त हो रहे हैं, महंगाई कारण से त्रस्त हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस महंगाई को कम करें और इस देश का मजबूती के साथ विकास करें। एक मजबूत प्रधानमंत्री हो जो सभी लोगों को साथ लेते हुए और सभी लोगों को विकास करते हुए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए वो काम करें। निश्चित रूप से है कि हमारे जो देश पर जो दूसरे दोस्त, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी नज़र जो ठीक नहीं है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता, एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरे देश जो भारत के ऊपर जो नज़र उठाए हैं उनको एक मुँह तोड़ जवाब दे। और मुँह तोड़ जवाब जब ही दिया जाता है जब हमारा देश FDI में और इसमें जो विदेशी मुद्रा में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा देश हथियारों में आत्मनिर्भर हो, हमारा देश खाद्य पदार्थों में और खाद्य सामग्री में हमारा देश समृद्ध हो, तभी ये हमारे देश में हर चीज़ का उत्पादन हो और जो छोटे लघु उद्योग वगैरह हैं वो सब पनपें और आयात का जो मामला है वो कम हो, निर्यात हमारा देश का बढ़ा हो, तब हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी और हमारा देश एक सशक्त होगा, जिसके कारण से विदेशों में भारत की धाक जमेगी कि भारत नहीं न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध है बल्कि हर चीज़ में समृद्ध है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश को एक नई दिशा में ले जाए। देश को सोच प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कि पूरे देश की सोचे और करे। सबसे बड़ी तो युवा पीढ़ी को जो बेरोजगार की समस्या है वो सबसे पहले दूर होनी चाहिए, क्योंकि युवा को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो युवा आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे काम होने चाहिए जिससे कि देश के अंदर उन्नति हो, ना कि ये नरेगा वगैरह चला रखी है जिससे कि न तो आम आदमी को फ़ायदा है उसमें, न लोग बाग उसमें काम करते हैं।
और उसका नाजायज गवर्नमेंट पे भी वजन है और पब्लिक के ऊपर वजन है, वो सबसे बड़ा वजन है। हाँ, अगर उसका फ़ायदा हो जब तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी बजाय मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट बने और अच्छा काम करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी अपने परिवार के साथ वोट डालने आदर्श नगर स्थित साधु वासवानी स्कूल पहुंचे। परनामी और उनके परिजनों ने यहां स्कूल में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला। तो वहीं समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ और माता पिता के साथ जवाहर नगर स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। कलीचरण सराफ ने भी अपने परिवार के साथ जय जवान कॉलोनी में मतदान किया। उनके साथ उनके धर्मपत्नी, बेटा और बहू भी मतदान करने पहुंचे। सराफ ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार देश में मोदी की लहर के चलते भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उनके अनुसार राजस्थान में भाजपा मिशन 25 पर कामयाब होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश जहाँ इतने लोग वोट देते हैं, और ये जो लोकतंत्र का महोत्सव है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही जबरदस्त जिसको कहना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में इतना बड़ा देश और इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने लोग एक साथ वोट डालते हैं करोड़ों की संख्या में। और आप देखिए पड़ोसी राज्यों में जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहीं पर भी लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, पर ये हमारे देश पर हमें नाज है कि यहाँ लोकतंत्र से ही सत्ता परिवर्तित होती है और लोकतंत्र पिछले 65 साल से सफलता से आगे चल रहा है। जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये देश की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेगा, देश की एकता और अखंडता का, अस्मिता का चुनाव है। और इस बार पूरे देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जलवा है, उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हम 300 से ऊपर जीतेंगे और राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जयपुर लोकसभा सीट से भाग्य आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर महेश जोशी ने अपने परिवारजनों के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन के पास DRM कार्यालय में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने पहुंचे जोशी ने बुजुर्ग मतदाताओं से आशीर्वाद भी लिया। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने मोदी लहर के और कांग्रेस में नेताओं के बीच मतभेद को सिरे से खारिज किया। जोशी ने कहा कि उनके मौजूदा सांसद कार्यकाल के दौरान जयपुर की जनता को कई तरह की सौगातें मिली हैं, खासतौर से घाट की गुड़ी टनल, जयपुर मेट्रो और नई रेलगाड़ियां चलवाने सहित अन्य योजनाओं का श्रेय लेते हुए जोशी ने अपनी जीत का भरोसा जताया। उधर राज्य भर में लोकसभा चुनाव 2014 की 20 सीटों पर हुए मतदान में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी आंकी जा रही है। CTI की टीम ने जाना कुछ ऐसे मतदाताओं का अनुभव जिन्होंने पहली बार मतदान करके देश की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। Thank you.
मैं मतलब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो सबकी पढ़ाई के लिए काम कर रहे और एजुकेशन और वुमेंस के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहली बार वोट दे के बहुत अच्छा लग रहा है, चाहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री बने जो महंगाई कम करे देश में और देश का विकास। तो मैं भी बस जस्ट वोट दे करके आया हूँ। वोट दे के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने शायद पहली बार अपना यहाँ पर मत दिया हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले कई बार देखा हुआ है कि यहाँ पे जो उग्रवादी उग्रवाद वगैरह कई बार रहते थे, यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक मतदान रहा है और मेरे इस देश के लिए मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री यहाँ पे चुना जाए वो हमारे देश की अच्छी उन्नति के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए ही वर्क करें। जो आज हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है नवयुवकों के अंदर, वो उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करें। मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की अपील का ही असर है कि मतदान के दिन शहर के अधिकतर बाजार सुबह से ही बंद रहे और शहर की चारदीवारी और कई बाहरी इलाकों के बाजारों में चहल पहल कम रही और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे, तो वहीं सरकारी और निजी विद्यालय भी बंद होने के कारण शहर में चुनावी रंग में नजर आया। जहां देखो वहीं चुनावी बूथ और मतदाता नजर आए। सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होने के कारण सड़कें भी सूनी नजर आई। इस बार जागरूकता के कारण भी पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान के दौरान मौसम ने भी साथ दिया और दिन भर आकाश में बादलों का राज रहा और मौसम में ठंडक घुली रही। मतदान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो उसको देखते हुए बार बार निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी नजर आए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट जयपुर समेत प्रदेश भर में सुरक्षा बलों की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए। राजधानी में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए पुलिस बल के अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न करवाए गए। गत दिनों प्रदेश में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क खुलासे के बाद खुफिया तंत्र और भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। पहले चरण के लिए प्रदेश में 38,835 मतदान केंद्र बनाए गए, 5,942 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल, स्टेट आर्म्ड फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर और मोबाइल पार्टी को तैनात किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर 104 केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया। राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने चुनाव के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स आरएसी के हथियारबंद जवान तैनात रहे। जिले के 2,424 मतदान बूथों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते भी मौजूद रहे। बहरहाल राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। चुनाव के दूसरे चरण में 24 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा। मतों की गणना 16 मई को सम्पन्न होगी, उस समय ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है।
और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव हुए संपन्न, प्रदेश की 20 सीटों पर हुए मतदान। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने रखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए गए पैरामिलिट्री फोर्स। और लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशंका, महिलाओं और युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। We'll be right back.